आज का जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो है द ग्रे एंड वाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इससे पहले जो स्पाइनल कॉर्ड का लेक्चर हुआ था उसमें हमने स्पाइनल कॉर्ड की टोपोग्राफिक एनेटमी देखी थी उसका स्ट्रक्चर डिटेल से कवरिंग्स आज हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है जो मेन कंडक्शन में रोल प्ले करता है ठीक है एक लिंक के तौर पर एक्ट करता है बिटवीन ब्रेन एंड द बॉडी उसको आज हम डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को डिटेल से ये क्या है ठीक है इसके अंदर न्यूरॉन्स कौन से हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या है नर्व सेल ग्रुप्स अरेंज्ड कैसे हैं ठीक है थीके? और व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे जो ज्यादा फोकस की चीज है वो व्हाइट मैटर है क्योंकि इसी के अंदर लाइक करते हैं ट्रैक्ट्स जिनका हमेशा जिक्र होता है कि न्यूरो में ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वो ट्रैक्ट्स ये उनमें से आज हम असेंडिंग ट्रैक्ट पढ़ेंगे और डिसेंडिंग ट्रैक्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे लेकिन उन असेंडिंग ट्रैक्स को समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स चाहिए हमें वो हम पहले पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद जो है फिर प्रोसीड करते जाएंगे तो ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं ये है क्या ये वो बटरफ्लाई शेप मटेरियल है जो सेंटर में मौजूद है स्पाइनल कॉर्ड के यानी जगह जब हम कट सेक्शन देखते हैं तो जो सेंटर में मौजूद मटेरियल है वो ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है और हम कहते हैं कि ये रिजें्पल करता है एच अल्फाबेट की तरह ठीक है बहुत फाइन प्रॉपर तो नहीं है लेकिन ये रिजेंबल करता है लाइक एच ठीक है और उसके अलावा जैसे हमने पढ़ा था कि ग्रे मैटर जो है इसके अंदर सारी नर्व सेल बॉडीज न्यूरोन्स की सेल बॉडीज की एग्रीगेशन होती है अलोंग विद द ठीक ठीक है 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 यानी कि सेल्स अब ये जो पोर्शन सारा थीके? इसको हम फर्दर आगे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं स्टडी करने के लिए इस तरह के ये हमें पता है ये क्या स्ट्रक्चर है ये एंटीरियर हॉर्न है स्पाइनल कॉर्ड का ये एंटीरियर हॉर्न है स्पाइनल कॉर्ड का ये पोस्टीरियर हॉर्न है स्पाइनल कॉर्ड का ये जो आगे कट है ये एंटीरियर मीडियन फिशर है और बैक साइड पे जो मौजूद है ये पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है ठीक है अब ये सारे पॉइंट सामने रखकर हम इसको डिवाइड करते हैं इस तरह के जो एंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न के दरमियान मौजूद है वो लेटरल कॉलम है ठीक है लेटरल कॉलम है या लेटरल वर्ड भी यूज होता है इसके लिए सही आगे आएगा हम देख लेंगे फिर जो मिड लाइन फिशर और एंटीरियर हॉर्न के दरमियान दोनों साइड्स पर मौजूद है ठीक है यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड ये कहलाएगा एंटीरियर या वेंट्रल कॉलम ठीक और जो पोस्टीरियरली मौजूद है पोस्टीरियर हॉर्न और मीडियन सल्कस के दरम्यान यानी ये वाला और ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाएगा पोस्टीरियर डोर्सल कॉलम ठीक है तो ये सब वाइट मैटर के आ, के कंटेंट्स हैं डिवाइड किन की वजह से हुए ग्रे मैटर इसलिए व्हाइट मैटर को समझने के लिए भी ग्रे मैटर को पता होना उसके पार्ट्स का जरूरी है ठीक है उसके अलावा एक चीज और जो ग्रे मैटर के अंदर आपने फोकस करनी है वो है एक सेंट्रल कैनाल ये कैनाल क्या है ये वो कैनाल है जो कनेक्टेड है ब्रेन की वेंट्रिकल्स के साथ और कैरी करती है सीएसएफ को ठीक ये जो ग्रुप है ग्रे मैटर यानी कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स एग्जिस्ट करते हैं ठीक जिनकी डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जाती है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन भी है और फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी है उसमें एक पैटर्न जो है उसमें गोल्जी टाइप न्यूरॉन्स कहते हैं जो गोल्जी टाइप वन न्यूरॉन्स हैं आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इनकी लॉन्ग एक्जॉन्स होते हैं अब ये न्यूरॉन्स जो हैं ये ट्रैक्ट्स बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे ठीक है बॉडी इनकी ग्रे मैटर के अंदर है और एक्जोन्स आगे पास करेंगे ठीक है क्योंकि देखें ग्रे जो न्यूरॉन है पूरा स्ट्रक्चर उसमें क्या है सेल बॉडी और एक्जॉन है सेल बॉडीज के एग्रीगेशन ग्रे मैटर में और उन्ही के एग्जॉन व्हाइट मैटर में है ठीक तो इन दोनों चीजों को मैटर्स को हम लिंक करके पढ़ते जाएंगे अब ये जो गोल्जी टाइप वन न्यूरोन है इसका एक्जोन लॉन्ग है इसकी सेल बॉडी ग्रे मैटर के अंदर है और ये एक्जोन ट्रैक बनाने में पार्ट लेगा लेकिन जो गोल्जी टाइप टू न्यूरॉन है ये शॉर्ट है ठीक है इसके एग्जॉन शॉर्ट है छोटे प्रोसेसिस है ये जस्ट उस ग्रे मैटर के अंदर ही आपस में लिंक करवाएगा अगर आप रिकॉल करें पिछले लेक्चर से तो हमने इंटर इंटरन्यूरॉन की बात की थी ठीक है यानी कि जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करवा रहा था दो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स को कनेक्ट करवा रहा था वो इंटर न्यूरॉन है और वो कॉलजी टाइप टू न्यूरॉन कहलाता है ठीक है टाइप वन वो जिसके एग्जॉन्स लॉन्ग हैं और सेल बॉडी ये बात माइंड में रखनी है कि सेल बॉडी एग्जिस्ट ग्रे मैटर के अंदर कर रही है लेकिन एक्सॉन व्हाइट मैटर में जा रहा है तो इसलिए वो गोल्जी टाइप वन है विद लॉन्ग एक्सॉन और टाइप टू वो है जो जस्ट ग्रे मैटर के अंदर ही एग्जिस्ट करता है और डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोन के दरमियान कम्युनिकेटर का, का काम करता है वो गोल्जी टाइप टू या इंटर न्यूरोन है उसके अलावा एक क्लासिफिकेशन जो है वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है ठीक है उसमें जिस टाइप का सेंस कैरी करेंगे या काम करेंगे उस तरह भी हम कह सकते हैं ठीक है सेंसरी न्यूरॉन वो हैं जो कैरी करेंगे ठीक है सेंसरी वाले ट्रैक्स बनाएंगे यानी कि जो पेजिफल बॉडी से सेंसेशन को ब्रेन तक कैरी करते हैं फिर लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं ये क्या है ये हम बाद में डिटेल से देखेंगे अपर एंड लोअर जस्ट फोकस ऑन मोटर है मोटर न्यूरोन वो है जो ब्रेन से सिग्नल लेकर आएंगे डिसेंड करेंगे मोटर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे कि जैसे से कोई चीज करवानी है हाथ से पाऊ से वो ब्रेन से मैसेज लेकर आएंगे अब इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं इसमें अल्फा न्यूरॉन्स हैं और गैमा अल्फा न्यूरॉन्स जो है वो एक्स्ट्रा फ्यूजल स्केलेटल मसल फाइबर्स को सप्लाई करते, करते हैं जबकि गैमा न्यूरॉन्स जो है वो इंट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स को सप्लाई करते हैं ठीक अब ये क्या है ये हम आगे देखते हैं और तीसरी कैटेगरी जैसे बात की इंटर न्यूरोन या कनेक्टर न्यूरॉन अब हमें पता है चीज के गोल्जी टाइप वन वो है, जिनके लॉन्ग एग्जॉन हैं तो ये जो टाइप्स हैं ये गोल्जी टाइप वन होंगी ज्यादातर ठीक है और ये टाइप जो है ये गोल्जी टाइप टू होगी इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ठीक है ठीके? जो स्किन से मैसेज लेकर आ रहा है वो सेंसरी न्यूरॉन है ठीक है और जो इनको अगले न्यूरॉन के साथ आपस में कनेक्ट करवा रहा है वो इंटर न्यूरोन है ठीक है इसी तरह मोटर न्यूरोन है ये क्या कर रहा है ये मैसेज कन्वे कर रहा है मसल फाइबर्स को ठीक अब इनकी फर्दर टाइप जैसे बात की थी ये मोटर न्यूरॉन की टाइप से हैं। इसमें एल्फा मोटर न्यूरॉन है और गैमा म्यूटर न्यूरॉन्स है बात की थी हमने एक्स्ट्राफ्यूजल और इंट्राफ्यूजल फाइबर्स की इसको समझने के लिए एक चीज समझनी है जरूरी कि अगर ये मसल की बेली है यानी पूरा मसल का बल्क है इसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं लेकिन इसके अंदर इम्बेडेड होते हैं छोटे छोटे रिसेप्टर्स जिनके बारे में पढ़ा था कि स्ट्रेच को डिटेक्ट करते हैं ठीक है जब हमने रिसेप्टर्स पढ़े थे अब जो मेन बल्क है वो तो मसल फाइबर्स है नॉर्मल जो कंट्रेक्शन में इन्वॉल्व है वो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स कहलाते हैं ठीक है एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स कौन से हैं? एक्स्ट्रा जो मेन बल्क है मसल का और ये जो छोटे छोटे यूनिट्स बीच में इम्पेड हुए हुए हैं जो रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं ये इंट्राफ्यूजल हैं। अब जो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स हैं वो इन एक्स्ट्रा फ्यूजल को सप्लाई करते हैं यानी कि मेन बल्क ऑफ द मसल को कंट्रेक्शन में इन्वॉल्व है और जो गैमा मोटर न्यूरॉन्स हैं छोटे वाले ये इन इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को सप्लाई करते हैं और येप्शन में यानी स्ट्रेच और पोजीशन को डिटेक्ट करने में इन्वॉल्व है ठीक तो ये इस कनेक्ट करेंगे जैसे पिक्चर में देख सकते हैं ये पूरा मसल का बल्क है ठीक है ये बाकी सारे फाइबर्स जो हैं जो मेन जैसे नॉर्मल मसल फाइबर हम पढ़ते हैं ठीक है तो वो एक्स्ट्राफ्यूजल है सही और इसके अंदर छोटे छोटे यूनिट्स हुए हैं ये क्या है ये इंट्रा है। ये इंट्राफ्यूजल इंट्राफ्यूजल है है क्या वो जो जोशन से स्ट्रेच से रिलेटेड है ठीक है अब इस पिक्चर में देखिए जैसे इसमें दो टाइप ऑफ न्यूरॉन्स दिखाए हुए हैं ये जो आपको रेड से शो किया हुआ है ये मेन मसल है फाइबर्स जैसे होते हैं और ग्रीन जो अंदर इम्बेडेड है ये उसके अंदर रिसेप्टर एम्बेड हुआ हुआ है यही चीज आगे जो ये वाली चीज है लास्ट स्लाइड में ग्रीन से शो की हुई है और ये पिंक काइंड ऑफ कलर से शो की हुई है ठीक है ये जो क्लासिफिकेशन है ये ना स्ट्रक्चरल है ना फंक्शनल ये जस्ट इस तरह है कि हम हमेशा बात कर रहे होते हैं कि न्यूरॉन्स जो है वो रिले करते हैं इंफॉर्मेशन ठीक है रिले करने का मतलब है कि एक दूसरे को पास करता है दूसरा फिर तीसरे को पास करता है इस पैटर्न के हिसाब से न्यूरॉन्स को डिवाइड किया गया है तीन कैटेगरीज में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं ठीक है थीके? अब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स वो हैं जो प्राइमरी आफ्र न्यूरॉन है यानी जो बेसिक मैसेज लेकर बॉडी से आएंगे चाहे वो रिसेप्टर से लाए ठीक है चाहे वो ग्लैंड से लाए कहीं से भी लाएंगे लेकिन पहला मैसेज जो स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर पहुंचेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स कहलाएंगे ठीक है और ये वो है जो स्पाइनल कॉर्ड में इंटर होंगे और कहाँ से डॉर्सल रूट से, जाहिर है कि हमें ये बात कंफर्म पड़ ली है कि जो एच शेप ग्रे मैटर है इसमें बैक साइड सेंसरी है और फ्रंट साइड मोटर है ठीक है तो जाहिर से सेंसेशन लाएंगे वो बैक साइड पे आएंगे और इस गेंगलियन के थ्रू यहाँ एंटर कर जाएंगे ठीक है तो ये आगे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इनकी जो सेल बॉडी है ये डोरसल रूट गेंग्लियन में मौजूद है जो ये यह गेंग्लिया यहाँ स्पाइनल कॉर्ड के बाहर मौजूद होता है और इनका लॉन्ग प्रोसेस है एक्सॉन जो है वो दूर तक जाएगा जिस जगह से ये प्राइमरी मैसेज लेकर आ रहे होंगे वहां तक ठीक है तो जहां ये वन मेंशन है पिक्चर में देख सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है जो बॉडी से मैसेज लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा है ठीक और फर्दर आगे जा रहा है अब सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन वो है जो या तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही मौजूद रहेगा ठीक है ग्रे मैटर के अंदर या फिर मेड्यूला ऑबलोंगेटा या ब्रेन स्टेम हायर लेवल किसी पे होगा ठीक है जाहिर है रिले करना है एक स्टेप मतलब जैसे अगर एक स्ट्रक्चर ने एक किलोमीटर कवर किया तो नेक्स्ट अगला करेगा तो ये डिस्टेंस पर लोकेटेड है ये ये स्पाइनल कॉर्ड के के अंदर भी हो सकता है, ये मेडिला के अंदर भी भी हो हो सकता सकता है है ठीक है इस पिक्चर के केस में ये भी मेडिला के अंदर है ठीक है पर है अब इस सेकेंड ऑर्डर इन है इसका एक्सॉन जो है ये क्रॉस ओवर होकर दूसरी साइड जाएगा सीएनएस में ठीक है और वहां से होता हुआ थेलमस में चला जाएगा जैसे आप यहाँ टू पर देख सकते हैं और इस पॉइंट पर आप नोटिस करेंगे कि ये क्रॉस हुआ है ठीक है यानी कि अगर ये असेंड किया था राइट right साइड से तो अब ये लेफ्ट साइड पर चला गया है। और उसके बाद फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन आ जाता है जिसकी सेल बॉडी जो है वो थैलमस के अंदर मौजूद है और इसका एक्जॉन आगे पास करता है सुमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में यानी जहां पर मेन ब्रेन के अंदर सेंसेशन फील होती है वहां तक ठीक है तो ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है अब थेलमस की एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जस्ट रिले सेंटर नहीं है कि ये आपस में कनेक्ट करवा रहा है कुछ काइंड ऑफ पेन और इमोशनल जो एलिमेंट है पेन का वो इसमें भी फील होता है ठीक है इस टॉपिक को हम बाद में डिटेल से डिस्कस भी करेंगे लेकिन थेलमस का ये पॉइंट यहाँ मैंशन है तो आपने ये याद रखना है चैप्टर में ठीक है एक दफा रिपीट कर देती हूँ हम बात कर रहे हैं कि रिले रेस की तरह एक से दूसरे को स्ट्रक्चर पास ऑन करने हैं मैसेज पास ऑन करना है तो पैटर्न ये है कि एक न्यूरॉन इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है कि पेरीफ्री से मैसेज लेकर स्पाइनल कॉर्ड या मेडिला तक पहुंचता है। वो की के लिए डिफरेंट आगे हम देखेंगे ठीक है अपने पहले स्टॉप पर पहुंचता है स्टॉप मेडिलाेटा भी हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड भी अब वहां ये क्रॉस करके दूसरी साइड पर जाता है और वहां से फिर सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन जो है वो मैसेज थेलमस तक लेकर जाता है ठीक है थेलमस जो है वहां पर सारे जो भी हम ट्रैक्स पढ़ेंगे ना सारी सेंसेशन जो कैरी होती हैं चाहे वो पेन हो टच हो टेम्परेचर हो प्रेशर हो वो सब थैलमस में रिले होती हैं। इसका फायदा ये है कि जैसे कि प्रेशर ज्यादा हो जाए तो वो भी पेन करता है तो वो एक एग्रीगेटेड सी इंटीग्रेटेड सी सेंसेशन फील होती है रिस्पॉन्स जो है वो कॉर्डिनेटेड आता है किसी भी स्टिमुलस को ठीक है उसके बाद थैलेमस अपना मैसेज आगे भेजता है कहां सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स ये क्या है ये पराइटल लोब का वो हिस्सा है जहां पर प्राइमरी सारी सेंसेशंस फील होती हैं तो इस तरह ये रिले सिस्टम काम करता है ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स का उसके बाद एक पैटर्न है जिसके थ्रू ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नर्व सेल्स स्टे करते हैं या लोकेटेड होते हैं ठीक है इस तरह है कि एक ग्रुप जो है वो ग्रुप कहलाएगा ठीक है यानी बैक साइड एक ग्रुप जो है वो लेटरल ग्रुप कहलाएगा यानी कि जो साइड पर लोकेटेड है और एक ग्रुप जो है वो इंटीरियर ग्रुप कहलाएगा जो कि फ्रंट पर लोकेटेड है ठीक है आगे लोकेटेड है अब इनके डिफरेंट पैटर्न हैं डिफरेंट इनके अंदर डिवीजन हैं हम वन बाय वन सबको देखते जाते हैं ठीक है पहले एक मरतबा इनके नाम देख लेते हैं ताकि हम इनको फिर समझ सके जो ग्रुप्स एंटीरियर ग्रे कॉलम में मौजूद हैं वो लेटरल सेंट्रल और मीडियल ग्रुप्स कहलाते हैं ये है क्या है ये नर्व सेल बॉडीज ही हैं ठीक है और इन्हीं को आप न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं कि नर्व सेल्स की जारे सेल बॉडीज यहाँ पर एग्रीगेट हुई हुई है ये सब न्यूक्लियाई कह सकते हैं आप इनको ठीक है एंटीरियर ग्रुप है लेटरल ग्रुप में सब्सटेंशियल जलाटेनोजा है न्यूक्लियस प्रोप्रियस है न्यूक्लियस टॉरसेलस है और विस्ट्रल आफ्र न्यूक्लियस है आज क्योंकि हम सेंसरी ट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं तो हमारा जो ज्यादा कंसर्न है आज के दिन इंट्रैक्ट्स रहेगा ठीक है इनको हम ज्यादा डिटेल से देखेंगे और इनको अगर हम समझ लेंगे तो जब न्यूरॉन आकर स्पाइनल कॉर्ड में रिले करेगा पॉइंट का नाम आएगा तो हमें पता होगा कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर है ठीक है तो जैसे हमने बात की ये सारे ग्रुप्स आपके सामने मौजूद हैं इनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो डोर्सल हॉर्न में सब्सटेंशियल जेलाटिनोजा है ठीक है अब सिंपली ये एक न्यूक्लियस है जैसे यहाँ मौजूद है अब हम इसके फीचर्स की बात करेंगे जो सब्सटेंशियल जेलेटिनोज है अब इसमें एक पैटर्न याद रखना है कि डोर्सल ग्रुप में इस तरह है कि दो न्यूक्लिया जो हैं वो थ्रू आउट पूरी पूरे ग्रे कॉलम में रन करेंगे यानी जहां स्पाइनल कॉर्ड शुरू हुई सी वन से लेकर एल टू एल थ्री पे टर्मिनेशन तक ठीक है लेकिन दो न्यूक्लियस ऐसे होंगे जो जल्दी टर्मिनेट हो जाएंगे या थोड़े से सेक्शन में एग्जिस्ट करेंगे वो कौन से होंगे वो मैं आपको बताऊंगी ठीक है तो वापस आते हैं सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा नाम के न्यूक्लियस पर ये वो है जो बिल्कुल पोस्टीरियर ग्रे कॉलम के एपेक्स पर मौजूद है जैसा पॉइंटेड एंड बना हुआ है उस पर मौजूद है ठीक है और ये थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड रन करता है इसके अंदर गोलजी टाइप 2 न्यूरॉन्स हैं यानी कि वो जो कम्युनिकेशन करवा रहे हैं आपस में और किन चीजों को कनेक्ट करवा रहे हैं पेन टेम्परेचर और टच को ठीक है ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ये आगे मैंशन है सब तो फिर हम ये आपके लिए मैंने टेबल पेस्ट किया आप इसको पढ़ लीजिएगा जस्ट अभी तो मैं आपको नाम के साथ चीजें रिलेट करवा दूं ठीक है तो सब्सटेंशियल नोजा वो है जो पूरे स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ में रन करेगा इसके न्यूरॉन्स जो हैं वो पेन टेम्परेचर और टच को कैरी करेंगे इसमें गोल्जी टाइप टू न्यूरोन्स मौजूद हैं ठीक है उससे अगला जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस प्रोप्रियस कहलाता है अगर आप पिक्चर से देखें तो ये एंटीरियर टू सब जैलेटनो मौजूद है ठीक है ये भी फुल लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में रन करेगा ठीक है और सबसे ज्यादा यही पाया जाता है न्यूक्लियस प्रोप्रियस सबसे ज्यादा बल्क जो है स्पाइनल कॉर्ड में या ग्रे मैटर के अंदर बैक साइड पे अगर कोई मौजूद है तो वो न्यूक्लियस प्रोप्रियस का है ठीक है प्रोप्रियस वर्ड अब देखिए प्रोप्रियोसेप्शन जैसा है तो ये प्रोप्रियोसेप्शन से रिलेटेड है यानी कि ये पोजिशन और मूवमेंट को डिटेक्ट करता है टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन क्योंकि हमें दो अगर उंगलियां रखें तो या दो चीजों के दरमियान जैसे दो उंगलियां आपके ऊपर रखी जाए आपको पता होता है एक उंगलियां या दो हैं ठीक है थीके? तो वो चीज ये डिटेक्ट करता है उसके अलावा वाइब्रेशन की सेंस जो वाइब्रेशन इवन अर्थ को एक जो फील होता है आपको वाइब्रेट करती अर्थ वो आपको न्यूक्लियस प्रोप्रियस की वजह से होता है ठीक है इसी तरह फिर एक न्यूक्लियस इसको क्लार्के न्यूक्लियस भी कहते हैं ये है। इस सारे इसके different नाम ठीक है? थीके? अब ये ऐसा है कि ये पूरे spinal cord में रन नहीं करता लाइक अनलाइक सबस्टेंशियलोज एंड न्यूक्लियस प्रोप्रियस ये जस्ट सी से लेकर ठीक है सी से लेकर एल थ्री या एल फोर तक एग्जिस्ट करता है ठीक और इसका काम न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल और टेंडन स्पिंडल से यानी कि वही जो प्रॉपर के एलिमेंट्स हैं स्ट्रेच वाले के जॉइंट ज्यादा स्ट्रेच हो तो फील होता है कहाँ हुआ ये काम न्यूक्लियस और सेलस का है ठीक है और ये सिचुएटेड कहाँ पे है बिल्कुल बेस ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न पे जहां से पोस्टीरियर हॉर्न शुरू होता है बिल्कुल वहां पर मौजूद है ठीक है उसके बाद फिर विस्ट्रल आफ्रंट न्यूक्लियस है विस्ट्रल आफ्रेंट न्यूक्लियस जो है ये विस््रास से इंफॉर्मेशन लाता है ठीक है और ये कहाँ मौजूद है ये T1 से लेकर L3 तक जस्ट एग्जिस्ट करता है ठीक है फुल लेंथ में ये भी रन नहीं करता ये विश्वास से इंफॉर्मेशन लेकर आता है फिर हमारे पास वेंट्रल ग्रुप आ जाता है वेंट्रल ग्रुप के न्यूरॉन्स वही जिनको लोअर मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं इसके अंदर इंटर न्यूरॉन्स भी मौजूद हैं साथ उनको रेंशा सेल्स कहते हैं ठीक है अब ये जो इंटीरियर ग्रुप है इसको फर्दर स्टडी करने के लिए हमने तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया हुआ है एक हिस्सा इसका मीडियल है एक हिस्सा इसका सेंट्रल है और एक हिस्सा इसका लेटरल है ठीक है अब ये डिफरेंट जगहों पर स्प्लाई करेंगे और डिफरेंट एरियाज में एग्जिस्ट करेंगे अब इस तरह है कि जो मीडियल ग्रुप है ठीक है मीडियल ग्रुप सप्लाई करता है नेक और ट्रंक के मसल्स को उसके अलावा इंटरकोस्टल मसल्स को एब्डोमिनल मसल्स को यानी ट्रंक पे जो भी मसल्स हैं वो सारा जो है वेंट्रल हॉर्न स्प्लाई करेगा ठीक है स्प्लाई करने का मतलब उनकी मूवमेंट्स कराएगा ये मस्कुलेचर है अभी हम इस पे आ गए ठीक है इस वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं हम इसके मीडियल ग्रुप की तो ये स्प्लाई करेगा नेक और ट्रंक के मसल्स को इंटरकोस्टल और एब्डोमिनल मस्कुलेचर को ठीक जो लेटरल ग्रुप है एल फोर लिम्स याद रख सकते हैं कि ये लिम्स को सप्लाई करेगा ठीक है मीडियल बॉडी की मिड लाइन है मिड लाइन में ट्रंक होता है आपने ऐसे याद रख लेना है लेटरल जो है जो है 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 वो लिम्स को सप्लाई करेगा ठीक अब सेंट्रल उसका इंटरेस्टिंग फंक्शन ये है कि ये सप्लाई करेगा डायाफ्रम को और एक्सेसरी मसल्स को ठीक है एक्सेसरी मसल्स किनको हम कहते हैं स्टर्नोक्स्ट्रॉइड को और प्रपिजियस को अब एग्जिस्ट ये इस तरह करता है कि ये जो सेगमेंट है ठीक है न्यूरॉन्स के ग्रुप्स हैं ये इस तरह करते हैं कि C3 से C5 लेवल पर ठीक है C3 से C5 लेवल पर इकट्ठे होकर एक छोटा सा न्यूक्लियस बनाते हैं जिसको हम फ्रीनिक न्यूक्लियस कहते हैं और उसी से वो नर्व आती है जो तो डायफ्राम को सप्लाई करती है ठीक है डायफ्राम की नर्व है नर्व और उसका नर्व रूट भी सी थ्री सी फोर सी फाइव होता है तो ये बनाता है, सेंट्रल इसी तरह एक जो असेसरी मसल्स को सप्लाई करने के लिए यानी कि स्टर्नोक्लिडोमेस्टोईड को और ट्रेपीजियस को सप्लाई करने के लिए बनाता है उसका नाम है असेसरी न्यूक्लियस ये वाला सी फाइव और सी सिक्स से बनता है ठीक है सी फाइव से और सी सिक्स से बनता है उसके बाद आ जाता है लेटरल हॉर्न लेटरल हॉर्न जो है इसमें डिफरेंट ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं इसमें एंटीरो मीडियल ग्रुप है और एंटीरो लेटरल ग्रुप है अब ये क्या करते हैं ये सेगमेंट्स जो है ये टी वन से एल टू एल थ्री में जो एग्जिस्ट करता है वो प्री गेंग्लियोनिक सिंपथेटिक फाइबर्स को अराइज करता है ठीक है ये क्या है ये हम एएनएस का डिटेल से देखेंगे सिंपल समझने के लिए ये है कि सिंपथेटिक सिस्टम की जो सिंपथेटिक चेन है ना यानी कि जहां पर सिंपथेटिक गेंग्लिया इकट्ठे होते हैं उनसे पीछे के जो फाइबर्स हैं वो प्री गेंग्लियोनिक है उनके बाद जो सप्लाई तक जाने के फाइबर्स हैं वो पोस्ट गेंगलियनिक है प्री गेंग्लियोनिक यहाँ से आएंगे ठीक है लेटरल हॉर्न से और

जो एंटीरोडियल और एंटीरोट्रल न्यूक्लिया है ये क्या करते हैं ये प्री सिंपथैटिक प्री मतलब सिंपथैटिक सिस्टम के प्री गैंग्लियोनिक और पैरासिम्पथैटिक सिस्टम के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स को अराइज करवाते हैं ठीक है थीके? और उसके बाद पोस्टीरियर ग्रुप है ये डिफरेंट जगहों पर मौजूद है कॉर्ड में कुछ थ्रू आउट रन कर रहे हैं कुछ जो है वो जस्ट रन कर रहे हैं लोअर लेवल पर ठीक है और क्या कर रहे हैं ये इनका ज्यादा रोल जो है वो प्रोप्रियोसेप्शन से रिलेटेड है ठीक है एक पैटर्न और है जो ग्रे मैटर को स्टडी करने का उसको हम रेक्सट लेमिना कहते हैं इसमें इस तरह किया जाता है कि जो सेम टाइप ऑफ न्यूरॉन्स है उनकी ग्रुपिंग की जाती है ठीक है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर इसमें ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाता क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लेकिन जहां किसी ट्रैक में एक लेमिना का नाम आएगा जस्ट वो पढ़ लीजिएगा ठीक है समझने के लिए इतना याद रखना है कि सेम टाइप ऑफ न्यूरोन्स की ग्रुपिंग की हुई है जिनको हम रेक्सड लेमिना कहते हैं ठीक है टेन ग्रुप्स बनाए हुए हैं ये टेबल मैंने नकली पेस्ट किए डॉर्सल हॉर्न में जो सेल्स हैं इनके लिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है और आज हमने क्योंकि पढ़ने भी प्रैक्ट हैं असेंडिंग तो असेंडिंग का लिंक डॉर्सल से है ठीक है अब बात करते हैं व्हाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल की अभी जो चीज हमने ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है वो बेसिकली व्हाइट मैटर और उसके ट्रैक्ट हैं लेकिन क्योंकि इन सब इन पास ऑन करना ग्रे मैटर से होकर है क्रॉस होना है ठीक है इंटरन्यूरॉन्स हैं तो इनको समझने के लिए ग्रे मैटर का पता होना जरूरी था इसलिए हमारा फोकस जो है वो वाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे रहा था तो जैसे हमने बात की वाइट मैटर क्या है व्हाइट मैटर जो है ये सारे जो न्यूरॉन्स हैं जिनकी सेल बॉडीज ग्रे मैटर के अंदर मौजूद हैं उन्हीं के एग्जॉन्स की एग्रीगेशन यहाँ पर ट्रैक्स बना रही होती हैं ठीक है थीके? अब इनको हमने जैसे बताया था कि ग्रे मैटर के स्ट्रक्चर से ही डिवाइड किया था जो ग्रे मैटर का एंटीरियर हॉर्न था ठीक है उसके और फिशर के दरम्यान एंटीरियर फ्यूनिकुलस या एंटीरियर कॉलम है ठीक है दोनों साइड्स पर एंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न के दरमियान जो है वो लेटरल फ्यूनिक्युलस या लेटरल कॉलम है ठीक है और पोस्टीरियर हॉर्न और मीडियन सल्कस के दरमियान जो मौजूद है वो क्या है वो पोस्टीरियर फ्यूनिक्युलस है या पोस्टीरियर कॉलम है ठीक है इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये नर्व फाइबर्स जो हैं वो बंडल्स की तरह अरेंज हुए हैं, हैं और वर्टिकली ठीक है ऊपर नीचे रन कर रहे हैं ठीक है जो नीचे की तरफ आ रहे हैं वो डिसेंडिंग हैं और ऊपर की तरफ जाने वाले असेंडिंग फाइबर्स हैं ठीक है और ट्रैक्ट या फेसिकुलस बनाता क्यों कौन है ऐसे एग्जॉन्स बनाते हैं जिनका कोई कॉमन ओरिजिन होता है कॉमन टर्मिनेशन पॉइंट होता है या कोई कॉमन फंक्शन होता है ठीक है ट्रैक्ट उन वाले न्यूरॉन के एग्जॉन का बनेगा जिनकी कोई ना कोई, कोई ना कोई फीचर या शेयर्ड है, चाहे उनका origin, चाहे उनका ओरिजिन, उनकी टर्मिनेशन हो चाहे उनका फंक्शन हो फॉर एग्जाम्पल कैरी कर रहे थे उन्होंने मिलकर एक ट्रैक बना लिया जिन्होंने वाइब्रेशन कैरी करनी थी उन्होंने एक ट्रैक बना दिया और जिन्होंने टेम्परेचर कैरी करना था उन्होंने एक अलग ट्रैक बना दिया ठीक है तो इस तरह हमारे पास दो कैटेगरीज आ गई हैं असेंडिंग ट्रैक्ट्स की और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स की असेंडिंग ट्रैक्ट्स वो हैं जो सेंसेशन कैरी करेंगे असेंड क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये पेरीफ्री से सेंसेशन ला रहे हैं और ब्रेन की तरफ जा रहे हैं और डिसेंडिंग मोटर क्यों है क्योंकि वो ब्रेन से मैसेज लेकर आ रहे हैं डिसेंड कर रहे हैं और फिर मसल्स को ग्लैंड को भेजेंगे कोई भी चीज करवाने के लिए ठीक है तो जो असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं उसके अंदर आ जाते हैं एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक लेटरल स्पाइनोथैलेमिक एंटीरियर स्पाइनोसरि ट्रैक पोस्टीरियर स्पाइनोसरिबुलर ट्रैक और फेसिकुलस क्यूनिएटस फेसिकुलस क्रेसिलस है उसके अलावा स्पाइनोटेक्टल ट्रैक है कुछ छोटे ट्रैक्ट और हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे ठीक है आज हमारा सारा फोकस जो है वो जस्ट असेंडिंग ट्रैक्ट पे रहेगा डिसेंडिंग ट्रैक्स को इन हम आगे डिस्कस करेंगे तो असेंडिंग ट्रैक्ट्स की बात करते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट्स जो है वो तीन टाइप के मेन है ठीक है कुछ छोटे ट्रैक्स जिससे मैंने जिक्र किया है लेकिन मेन जो है वो तीन टाइप के ट्रैक्ट हैं जिनका नाम है स्पाइनोथैलमिक या एंटीरोटरल सिस्टम डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनेस्कल सिस्टम और स्पाइनोसेरीबलर सिस्टम ठीक है तो हमने असेंडिंग ट्रैक की बात की थी कि असेंडिंग ट्रैक में तीन मेन कैटेगरीज आती हैं जिसके अंदर हैं जिसके अंदर स्पाइनोरिपलर ट्रैक्ट्स हैं और जिसके अंदर कॉलम है ठीक है ये एंटीरियर स्पाइनोथैलमिक ट्रैक ये अब जो नाम है ये एक तो लोकेशन बेस्ड है जो एंटीरियर मौजूद है वो इंटीरियर लेटरल साइड पे लेटरल बैक साइड वालों का नाम डोरसल है ठीक है और दूसरी ये है कि जहां पर ये ट्रैक ओरिजिनेट या टर्मिनेट हो रहे हैं उस हिसाब से जैसे जो स्पाइनो थेलमिक है वो स्पाइनल कॉर्ड से थैलमस तक रन कर रहा है ठीक है आगे जाहिर फाइबर्स मेन कॉर्टेक्स में जा रहे हैं लेकिन जो न्यूरॉन्स हैं वो इस तरह रन कर रहे हैं और एक्जोन के ग्रुप्स जो हैं वो थैलमस तक रन कर रहे हैं आगे फाइबर्स का पैटर्न चेंज हो जाएगा जो हम देखते जाएंगे सरीब्रम पड़ेंगे जब ठीक है इसी तरह जो स्पाइनो सेरीबेलर है ये भी दो है एक एंटीरियर है और एक पोस्टीरियर ये देख सकते हैं आगे और पीछे मौजूद है ठीक है, cerebellar, में जा है से होते हुए, इसी तरह साइड परस हैं ये अपर और लोअर लिम के लिए हैं ये कैसे हैं ये हम आगे डिटेल से देखते जाएंगे ठीक है ओवरऑल असेंडिंग ट्रैक्ट का पैटर्न ये रहेगा कि ये जो मोडलिटीज कैरी करेंगे वो है टच, ठीक है टच में फाइन टच भी आ जाता है क्रूड टच भी आ जाता है फाइन टच ये होता है जैसे बहुत किसी छोटी सी चीज जो है वो टच करे जैसे कि नीडल लग जाए ठीक है और उसके अलावा कोई भी पिन पॉइंट वाली चीज ठीक फिर क्रूड टच ऐसे है कि रफली कोई चीज टच करे जिसको आप प्रॉपर लोकेट ना कर सके लेकिन पता हो कि टच है फिर पेन शार्प पेन भी स्लो पेन भी टेमपरेचर है, कोल्ड है ना ओर से रिलेटेड की आप आपका हाथ किधर है पाऊ किधर है आप कहाँ बैठे हुए ये सब फील समझना काजिया के अंदर आता है ठीक है रिसेप्टर्स यहाँ तीनों टाइप के होंगे लोकेशन बेस्ड एक्सटीरियर रिसेप्टर भी है यानी जो बाहर की स्टच पेन प्रेशर लाएंगे इंटरनल रिसेप्टर्स भी हैं जो कि एब्डोमेन से और बाकी विसरा से सेंसेशन लाएंगे और प्रोप्रियोसेप्टर्स भी हैं यहां पर जो पोजीशन से रिलेटेड बताएंगे ठीक है प्राइमरी न्यूरॉन ज्यादातर वो होगा जो डॉर्सल रूट गैंगलियन के अंदर होगा ठीक है प्राइमरी न्यूरॉन वो है जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन में जिसकी सेल बॉडी एग्जिस्ट करेगी सेकेंडरी न्यूरॉन इस इन ओवरऑल ट्रैक्ट के लिए पैटर्न अभी हम देख रहे हैं ठीक है आगे पर जहां पे कोई एक्सेप्शन आएगी वो बात कर लेंगे ठीक सेकेंडरी स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन स्टेम न्यूरोब लॉन्गेटा भी पॉन्स भी मतलब और मिड ब्रेन भी उसमें कहीं भी टर्मिनेट कर सकता है तो टर्शरी या थर्ड ऑर्डर न्यूरोन होगा वो थैलमस में होगा और थेलमस के कुछ न्यूक्लियां हैं उसमें एक कॉम्प्लेक्स का जिक्र है अभी सिर्फ नाम पढ़ लें थेलमस की ट भी पड़ते हुए डिटेल से देखेंगे ठीक है जस्ट के अंदर थे का ग्रुप है उसमें टर्मिनेट करेंगे और थर्ड ऑर्डर उसके बाद जो बिल्कुल एंड जहां पर सेंसेशन फील होगी ना वो कॉर्टेक्स भी हो सकता है कॉर्टेक्स भी हो सकता है और ब्रेन स्टेम भी है ठीक है अब स्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो अरेंज कैसे हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाहिर हमने यहाँ पर एक पिक्चर देखी है जिसमें हमने देखा है कि एंटीरियर है लेटरल है पोस्टीरियर है ये एक तो लोकेशन है लेकिन इसके अंदर फाइबर्स कैसे आकर अरेंज होंगे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ग्रेसिलस है और क्यूनिएटस है cuneatus जो है वो लेटरल क्यों है मीडियल क्यों है ये क्या पैटर्न है और ट्रैक्स बने क्यों थे ये अरेंजमेंट के तीन एनाटमिकल प्रिंसिपल्स हैं जैसे पहले बात की कि जो टाइप ऑफ मोडिलिटी कैरी करेंगे उसके हिसाब से भी ग्रुपिंग हो सकती है जैसे कि फाइन टच वाले सारे एक ट्रैक में हो गए वाले एक ट्रैक में हो गए फिर वो इकट्ठे एक, एक ही जगह पर लोकेट लुक, हो जाएंगे कहीं पर एडजस्ट हो जाएंगे ठीक है उसके अलावा साइट ऑफ ओरिजिन भी है जैसे है जैसे वाले वाले फ्रंट पे पर ठीक फिर एक रूल जो ज्यादा फॉलो होगा और स्पेशली डोरसल वाले बैक साइड वाले ट्रैक के लिए होगा वो मीडियल लेटरल रूल है ठीक है मीडियल टू लेटरल रूल इस तरह है कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स लोअर लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे इंटर होंगे वो ज्यादा मीडियली लाइक करेंगे ठीक है और जो हायर लेवल पर इंटर होंगे वो ज्यादा लेटरली लाइक करेंगे एक मरतबा रिकॉल करते हैं फिर पिक्चर से रिलेट करते हैं जो न्यूरॉन्स लोअर लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे इंटर होंगे वो ज्यादा मीडियल होंगे विद इन द स्पाइनल कॉर्ड और जो अपर लेवल पर इंटर होंगे वो लेटरल होंगे विद इन द स्पाइनल कॉर्ड ये जो न्यूक्लियस क्यूनिएटस है ना ये आपके हैंड से रिलेटेड है ठीक है और न्यूक्लियस ग्रेसिलस जो है ये फूड से रिलेटेड है अब फूड जो है वो जाहिर लोअर लेवल पर उसके फाइबर्स एंटर करेंगे तो वो ज्यादा मीडियल लाइक के ज्यादा करीब है है ठीक तो फेसिकुलस मीडियल लाइ करेगा और क्यूनिएटस हैंड जारे अपर लेवल पर है लोअर लिम से तो इसके फाइबर्स लेटरली लाइ करेंगे ठीक है तो पैटर्न ऐसा फॉलो होगा ट्रैक्ट्स की अरेंजमेंट में इस पिक्चर में आप एक मरतबा देख सकते हैं दोबारा के फाइबर्स का अरेंजमेंट क्रूड टच वाले इकट्ठे हो गए हैं ठीक है पेन वाले इकट्ठे हो गए हैं एक तो टाइप ऑफ मडलिटी जो कैरी कर रहे थे और दूसरा जहां से ओरिजिन हो रहा था जो इंटीरियर थे वो फ्रंट पे लेटरल साइड पर है और इसी तरह जो फाइन टच प्रेशर वाइब्रेशन वाले हैं, वो इस तरह है कि जो सबसे नीचे है वो मीडियल सबसे ऊपर का लेटरल ठीक है अब लेग सबसे नीचे है तो मीडियल मोस्ट हिप लेग से ऊपर है उससे थोड़ा लेटरल ट्रंक उससे ऊपर है उससे लेटरल लेटरल सबसे सबसे ऊपर है उस सब है है मौजूद ठीक तो अब आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक पे स्पाइनोथलमिक ट्रैक्ट्स ये जो सारी अभी तक इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की वो इसलिए की थी कि हम इन ट्रैक्ट्स को अच्छी तरह समझ सकें ठीक है तो स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट्स क्या है स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट्स वो हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से तक मेनली लोकेटेड हैं ठीक है थीके? और जो वेंट्रल हॉर्न है स्पाइनल कॉर्ड का यानी जो फ्रंट वाला हॉर्न है इसके एंटीरियर और इसके लेटरल साइड पर लोकेटेड है ठीक है इसी के रेफरेंस की वजह से इनका नाम एंटीरियर स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट और लेटरल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट होगा ठीक अब ये कौन सी impulses carry करेंगे Pain और ठीक है Pain और 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 ले जाएगा इनमें से यानी क्या है कि जस्ट टच फील होना कि कोई चीज ने टच किया है अब वो चुभने वाली थी वो ब्लंट थी कैसी थी ये फिर फाइन टच आ जाता है ये डॉर्सल कॉलम के अंडर है ठीक है तो ये कौन कैरी कर रहा है नॉन डिस्क्रिमिनेटिव टच और प्रेशर ये इसका एंटीरियर ट्रैक जो है वो कैरी करेगा ठीक है ब्रेन स्टेम के अंदर ये दोनों टाइप ऑफ ट्रैक कंबाइन हो जाएंगे पहले एक सारे एंटीरियर मूव कर रहा होगा एक लेटरल जा रहा होगा लेकिन ब्रेन स्टेम के लेवल पर ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और एक स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट करेंगे जिसको स्पाइनल लेमनेस्कस कहेंगे ठीक है और इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन ऑपोजिट साइड ऑफ द ब्रेन को ट्रांसफर कर दी जाएगी आप जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं ये राइट right साइड है ये लेफ्ट साइड है ये राइट right साइड के फाइबर्स थे इंटर हुए स्पाइनल लेकिन टर्मिनेट लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन पे हुए तो ये ओवरऑल इनकी डिटेल है अब हम दोनों ट्रैक्स को वन बाय वन देखते हैं पहला ट्रैक जो है वो लिटरल स्पैनल ट्रैक है ठीक है जैसे इसके बारे में हमने बात की थी कि पेन और थर्मल सेंसेशन कैरी करता है अब दो टाइप ऑफ फाइबर्स हैं अन फाइबर्स हैं और माइलीटेड है माइलीनेटेड जाहिर है फास्ट कंडक्ट करेंगे तो वो जो शार्प पेन है ना एकदम चुभने की फीलिंग होती है सुई लगने की वो ये कैरी करेंगे ठीक है आगे ये बेशक कंबाइन हो जाएंगे आकर ये दो तरह के फाइबर्स इसलिए हैं कि एक तो इनकी पेस डिफरेंट है कैरी करने की स्पीड डिफरेंट है और टाइप ऑफ सेंसेशन जो ये कैरी करते हैं डिफरेंट है लेकिन डोर्सल रूट गैंगलियॉन में कंबाइन हो जाएंगे ट्रैक ही एक में सफर करेंगे ठीक है माइलीनेटेड फास्ट कंडक्शन वाले फाइबर्स हैं जो पेन का चुभने वाला एलिमेंट तब होता है ना जो शार्प एलिमेंट होता है पेन का वो ये माइलीनेटेड फाइबर्स कैरी करेंगे और जो पेन का डल एलिमेंट होता है ना जो बाद में हल्का हल्का दर्द करता रहता है सुई सी चुभती रहती है अंदर जलन होती रहती है पेन से रिलेटेड फॉर एग्जाम्पल जैसे बी स्टिंग के बाद होता है जो मक्खी होती शायद की वो काट ले अगर पहले पिंच लगता है वो एकदम फील होता है उसके बाद वो जलता रहता है जो फॉरन फील होने वाला पिंच है वो माइलिनेटेड ए फाइबर की वजह से जाता है और जो बाद में रहने वाला दर्द है वो अनमाइलिनेटेड सी फाइबर्स की वजह से होता है ठीक है हैं 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 दोनों क्योंकि हैं, तो कैरी एक ही ट्रैक में होते हैं। अब स्पाइनोथेलमिक ट्रैक का पैटर्न ये है कि एक्सॉम्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर होते हैं डोर्सल हॉर्न में ठीक है वहां ये डिवाइड होकर दो पार्ट्स में चले जाते हैं यानी कि अगर ये स्पाइनल कॉर्ड का लेवल है ये इसके अंदर इंटर हुए तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं जिनको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांचेस कहते हैं यहाँ ये बाकी और फाइबर्स के साथ मिलकर एक और ट्रैक बनाते हैं जिसको पोस्टीरो लेटरल ट्रैक्ट ऑफ लिशोर कहते हैं ठीक है पोस्टीरो लेटरल ट्रैक्ट ऑफ लिशोर है ये भी पेन ही कैरी करते हैं लेकिन ये मतलब समझिए कि सब डिवीजन है ट्रैक के अंदर क्योंकि जाहिर है दो तरह की सेंसेशन कैरी हो रही है एक पेन कैरी हो रहा है और एक जो है वो थर्मल सेंसेशन तो पेन वाले फाइबर्स अपनी भी अलग से एक छोटा सा ग्रुपिंग कर लेते हैं उसको हम ट्रैक्ट ऑफ और और कहते हैं ठीक है अब ये क्या करते हैं ट्रैक्ट ये जाकर टर्मिनेट होते हैं सब्सटेंशियल जेलटिनोजा के अंदर जो ग्रे हॉर्न के अंदर सब्सटेंशियल जेलटनोजा ग्रुप था ना उसके अंदर टर्मिनेट होते हैं ठीक है और वहां जो है कुछ न्यूरो रिलीज करवाते हैं जैसे अमाइनो एसिड ग्लूटामेट सब्सटांस पी ये सब पेन से रिलेटेड है ठीक है तो वहां जाकर टर्मिनेट करेंगे अब जब ये यहां पहुंच गए हैं उसके बाद क्या करते हैं उसके बाद ये क्रॉस ओवर होंगे दूसरी साइड पर जाएंगे ठीक अब यहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन स्टार्ट हो गया सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन जो है ये कैरी करेगा सेंसेशन को मेड्यूला तक जाएंगे ठीक है मेड्यूला ऑबलोंगेटा में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है इनफीरियर और लिवरी न्यूक्लियस वहां तक ठीक वहां से ये जाएगा पॉन्स में ठीक है पॉन्स से जाएगा मिड ब्रेन के अंदर ये सारी ब्रेन स्टेम है मिड ब्रेन के जिस स्ट्रक्चर के अंदर जाएगा नाम उसका टेगमेंटम है ठीक है फिलहाल नाम पढ़ लें जब हम मिड ब्रेन को पढ़ेंगे तो फिर हम इस दफा ये बात दोबारा करेंगे कि हमने पढ़ा था लेडर स्पेनोथलम ट्रैक यहां से गुजर कर गया ठीक है थीके? उसके बाद ये क्या करेंगे फिर तक जाएंगे ठीक है में जाने के बाद जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं वो ये जो सेंसेशन लेकर आए हैं ना ये इंटरनल कैप्सूल नाम का स्ट्रक्चर है जो कि खुद एक वाइट मैटर की एग्रीगेशन है ठीक है इसमें से होता हुआ जाएगा और ब्रेन को स्प्रेड कर देगा उस पोर्शन में भेज देगा जहां पर इसने फील होना है ठीक है पूरा पाथवे क्या था पेन के फाइबर्स आए स्पाइनल कॉर्ड में डॉर्सल रूट में इंटर किए सब्सटेंशियल जलाटिनोजा में आए ठीक है वहां इन्होंने अपनी ग्रुप की ग्रुपिंग की ट्रैक्ट ऑफ लिश और बनाया फाइबर्स फिर मैसेज कन्वे कर दिया सेकंड ऑर्डर को ठीक है फर्स्ट ऑर्डर का, का काम वहीं खत्म हो गया सब्सटेंशियल जेलेटेनोजा में जहां उन्होंने ग्रुपिंग कर ली मैसेज उन्होंने अगला अपना काम पास ऑन कर दिया सेकेंड ऑर्डर को सेकेंड ऑर्डर न्यू स्पाइनल के अंदर से यानी कि ग्रे मैटर में से गुजर कर लेटरल साइड पर आगे क्योंकि की लेटरल की लेटरल की लेटरल फिर में पहुंचे लेटरल साइड के ठीक है वहां इन्होंने अपना मैसेज थर्ड ऑर्डर को दे दिया और उन्होंने आगे मैसेज पहुंचाया ब्रेन के उस हिस्से में जहां पे फील होना है कि क्या सेंसेशन आई है ठीक है तो ये सारे जो पाथवे मैंने आपको बताया और जो बुक में लिखा है ये सारा यहाँ पर टेक्स्ट की फॉर्म में मौजूद है ताकि जब आप शॉर्ट रिकॉल करना चाहे आप यहाँ से देख सकें ठीक है ये जो मैंने आपको पूरा पाथवे बताया पेन कैरी होने का इनका पोस्टीर ट्रैक्ट ऑफ फ्लिशॉर्ट बनाने का इनमें न्यूरो रिलीज होने का सेकेंड ऑर्डर के क्रॉसिंग ओवर ठीक है और उसके अलावा इसका पूरा एंड तक कैरी होना ये सारा फ्लो चार्ट की फॉर्म में यहाँ मौजूद है आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ से ठीक है तो हमने बात की थी कि ब्रेन में पहुंचा था ये थैलमस से आगे इंटरनल कैप्सूल और कोरोना रेडिएटा ये कुछ फाइबर्स हैं इनको हम डिटेल से बाद में देखेंगे लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे फाइबर्स हैं ठीक है ये ले गए हैं सोमस्थेटिक सु, एरिया में ये क्या है जहां पर सेंसेशन फील होती है ब्रेन के अंदर ठीक है और ये जो ट्रैक्ट है ये क्या करेगा ये कॉन्ट्रालेटरल हाफ ऑफ बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है कॉन्ट्रालेटरल हाँ मतलब कि दूसरी साइड यानी कि अगर राइट साइड के फाइबर्स लेकर गए थे तो लेफ्ट साइड के फाइबर्स जो हैं वो मतलब तो लेफ्ट साइड की ब्रेन जो है उसको फील करेगा ठीक है इसमें एक चीज लिखी हुई है कि बॉडी रिप्रेजेंटेड एज इन्वर्टेड विद हैंड्स एंड माउथ इनफीरियरली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है ये हम तब पढ़ेंगे जब हम बाद में सेरिब्रम को डिस्कस करेंगे ठीक है इसी तरह दूसरा जो ट्रैक है उसका नाम है एंटीरियर स्पैनोथलमिक ट्रैक सेम पैटर्न फॉलो होगा स्ट्रक्चर का डिफरेंस ये है कि जब ये असेंड करता है ना तो ये एंटीरियर लेवल पे असेंड करेगा ठीक है और त, जो टाइप ऑफ मोडेलिटी ये कैरी करेगा वो डिफरेंट होगी यानी कि ये क्रूड टच रफ एंड जस्ट टच की फीलिंग और प्रेशर लेकर जाएगा ठीक है अब इसका पैटर्न भी वैसा ही रहेगा कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो कहाँ आया ग्रे कॉलम में ठीक है वहां आया डॉर्सल रूट गैंग्लिया में और उसके बाद ये भी सब्सटेंशियर जाला डनोजा में आएगा वहां से ये ऑपोजिट साइड चला जाएगा और ऑपोजिट साइड में भी एंटीरियरली आकर असेंड करेगा ठीक है असेंड करता हुआ जाएगा इंटीरियरली एंटीरियर एंटीर स्पाइनल कॉर्ड में एंटीरियर में डल्ला ऑबलोंगेटा में ठीक है फिर एंटीरियर से बैक साइड पर चला जाएगा पॉन्स में ठीक है पॉन्स में जब ये जाता है ना तो थोड़ा सा पोस्टीरियर लाइ करता है ठीक है उसके बाद वहां से ये होता हुआ मिड ब्रेन में जाएगा मिड ब्रेन के यहीं पर टेगमेंटम में दोबारा ठीक है मिड ब्रेन से फिर ये कहाँ चला जाएगा थैलोमस के अंदर चला जाएगा ठीक और थेलोमस फिर इसी तरह सेंसेशन को आगे प्राइमरी सेंसिंग एरिया में भेज देगा ठीक है तो ये सारा पैटर्न इसका है एंटीरियर पैनोथेलमिक ट्रैक का अब जैसे हमने बात की थी कि जब ये एंटीरियर और लेटरल स्पाइनोथलिक ट्रैक कंबाइन हो जाते हैं brain stem के लेवल पर, तो ये दोनों मिलकर स्पाइनल कहलाते हैं ठीक है क्योंकि देखेंगे जो प्रेशर है वो भी बहुत ज्यादा लग जाए तो पेन होने लग जाता है तो ये काइंड kind ऑफ of, एक जैसी मोडेलिटीज हैं, तो ये इसलिए ये इस लेवल पर कंबाइन होकर वो, मतलब आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि अगर ऐसा मैसेज हो जो दोनों टाइप ऑफ मेडेलिटीज को इन्वॉल्व कर रहा है तो ब्रेन को ये ज्यादा अलर्ट करता है ठीक है जैसे देखें कोई चीज अगर एकदम आपके ऊपर वजन आ जाए तो वो ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्स आता है बनस्पत कोई चीज चुप कर जाए ठीक है क्योंकि इसमें स्पाइनलिस्कस एक्ट कर रहा है दोनों ट्रैक्ट के फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं ठीक है तो ये इसकी सारी डिस्क्रिप्शन इस पिक्चर में मौजूद है ये जो सेरिब्रम में रिप्रेजेंटेशन है ना ये पैटर्न लिखा हुआ था कि इनफीरियरली हैंड होगा लेकिन ये किस तरह होगा तो हम सेरिब्रम के साथ देखेंगे ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है ठीक तो ये सारा मटेरियल स्टडी के लिए यहाँ मौजूद है ये पैटर्न जो भी फ्लो चार्ट हमने डिस्कस किया कि कैसे फाइबर्स ट्रेवल कर रहे थे उसके बाद जो अगला ग्रुप आता है वो कहलाता है पोस्टीरियर कॉलम या फिर डॉसल कॉलम ठीक है इसी के अंदर फेसिकुलस क्यूनिएटस और ग्रेसिलस आएंगे ठीक है अब ये जो ट्रैक्ट है ये मोडिलिटी क्या कैरी कर रहा था यह प्रोप्रियोसेप्शन और डिस्क्रिमिनेटिव टच को कैरी कर रहा था लेकिन डिफरेंस क्या है फ्रॉम इप्सिलेटरल साइड ऑफ बॉडी ये ट्रैक्ट जो है ये सेम साइड ऑफ द बॉडी में सेंसेशन कैरी करेगा ऐसा क्यों होगा ये भी हम देखेंगे ठीक है

सेक्रल, लंबर और लोअर थ्रेसिक लेवल्स पर सेंसेशन कैरी करेगा यानी के लेग ठीक है तो इसका जो कंबाइंड जो मीडियल कहलाएगा ठीक है जैसे एंटीरियर लेटरल का स्पाइनल लेमिस्कस कहलाया था तो ये जो ग्रेस और क्यूनियटस न्यूक्लियस है ये इकट्ठे होकर मीडियल लेमिस्कस कहलाएंगे अब इसका पैटर्न क्या है इसके पैटर्न में इस तरह है कि फाइबर्स जो हैं, जब यानी इसके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर होंगे तो वो क्रॉस ओवर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नहीं करते वो क्रॉस ओवर करते हैं मेडुला ऑबलोंगेटा के लेवल पर ठीक है क्रॉस ओवर नहीं करते इसलिए कहते हैं कि ट्रैक इप्सिलेटर लेकर जाता है क्योंकि न्यूक्लियस ऊपर से क्रॉस होते हैं ट्रैक तो पूरा टाइम सेम साइड पर रहता है ठीक है इसलिए कहते हैं कि सेम साइड ऑफ द तो बॉडी से सेंसेशन ये कैरी करता है जस्ट न्यू फेसिकुलस ग्रासिलस और क्यूनियटस की बात हो रही है पूरा जो सिस्टम है वो बाद में क्रॉस ओवर होता है लेकिन क्योंकि ट्रैक्ट मेन चीज है कैरी करने वाला तो वो सेम साइड पर जाएगा मेडुला को पास ऑन कर देगा ठीक है इसको आगे मैं क्लिनिकल के साथ रिलेट करवाऊंगी बाद में तो हम बात करते हैं पोस्टीरियर कॉलम की इसका न्यूरॉन एंटर हुआ था स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लेकिन डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड में क्रॉस ओवर नहीं हुआ जैसे स्पाइनो ट्रैक्स में हुआ था असेंड करके मेड्यूला ओब्लोंगेटा तक गया ठीक है मेड्यूला ओब्लोंगेटा के अंदर डीक्सेशन या क्रॉसिंग ओवर होगी और जो फाइबर्स हैं वो असेंड करेंगे एज इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स क्योंकि ये देखें ये इस तरह क्रॉस ओवर नहीं कर रहा बल्कि आर्क बना रहा है बिल्कुल ठीक है आर्क बनाकर आ रहा है तो इनको फिर इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स कहते हैं ये सेंड करेंगे ब्रेन स्टेम से एज मीडियल बिल्कुल इसी तरह कोरोना रेडिएटा और इंटरनल कैप्सूल से जैसे स्पाइनोथेलमिक का पैटर्न था डिफरेंस कहां पर आया क्रॉसिंग ओवर स्पाइनल कॉर्ड में नहीं हो रही मेड्यूलाब्लोंगेटा पे हो रही है और फाइबर्स जो है वो आर्क बनाकर ग्रुप बनाकर एक्सपेंड होकर जा रहे हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स बनकर ठीक है और एक चीज जो नोटिस करने की है कि जो ये क्रॉसिंग ओवर होगी ब्रेन स्टेम के लेवल पर स्पेसिफिकली मिड ब्रेन के लेवल पर वहां पर अलग से न्यूक्लियस मौजूद हैं ठीक है थीके? जिनका नाम है न्यूक्लियस ग्रासिलस और न्यूक्लियस क्यूनियटस ठीक है इनके अपने न्यूक्लियस हैं अपने फंक्शनिंग के लिए न्यूक्लियस ग्रासिलस न्यूक्लियस क्यूनियटस

सेंसेशन कैरी करेंगे कि अपर लिमिट जैसे हाथ में कोई चीज टच होती है या वाइब्रेट करती हुई महसूस होती है लेग्स में जैसे मतलब वाइब्रेशन होती है कि जमीन हिल रही है इस तरह करके ये सारा इंट्रैक्ट से कन्वे होगा ठीक है उसके अलावा एक चीज ये है क्योंकि ये प्रोप्रियोसेप्शन है जाहिर है ओरिएंटेशन है बॉडी की बॉडी कहाँ मौजूद है तो क्योंकि ये जाहिर है आपके सेंस से रिलेटेड है और बैलेंस से रिलेटेड भी बात है कि आपको पता चले कि वाइब्रेट करें तो आप अपना बैलेंस मेंटेन करें तो इसलिए इस ट्रैक का एक लिंक जो है वो सेरिबेलम के साथ भी है ठीक है सेरिबेलम इसके कुछ फाइबर्स जो हैं स्पेशली न्यूक्लियस क्यूनिएटस के कुछ फाइबर्स ठीक है वो सेम साइड के सेरिबेलम की लोब में भी जाते हैं और वहां पर मैसेज कन्वे करते हैं बैलेंस से रिलेटेड ठीक है इससे ज्यादा डिटेल सेरिबेलम के साथ पढ़ेंगे जब हम उसके पेडंकल्स पढ़ेंगे कि क्या चीज होती है कैसे लिंक्ड है बाकी ब्रेन के साथ सेरबेलम का बैलेंस कैसे इन्वॉल्व है सेरिबेलम हर तरह की चीज में करने के तो वो हम देखेंगे ठीक है फिलहाल या याद रखना है कि डॉर्सल कॉलम का एक लिंक सेरबेलम के साथ भी मौजूद है ठीक है अभी तक हमने दो ट्रैक्स पढ़े आपके सामने मौजूद है स्पाइनोथेलमिक और डॉर्सल कॉलम मीडियल एमनेस्कल सिस्टम स्पाइनोथेलमिक को देखा था कह रहे थे स्पाइनल कॉर्ड में ही क्रॉस होकर आ रहे थे या इंटीरियर या कैरी कर रहे थे खुद को और में जाकर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन था जिसने आगे ब्रेन के प्राइमरी एरिया में जाना था जबकि डॉर्सल कॉलम जो है वो बैक साइड पर एंटर हुए क्रॉस नहीं हुए बेसिकल इनका ऊपर तक ट्रेवल किया है मिडिला में जाके क्रॉस हुए और फाइबर ने आर्क बनाया देखिए पर्पल कलर से शो किया हुआ है ये सिंपल उस तरह नहीं है जैसे यहां पर क्रॉसिंग हुई थी ठीक है आर्कुएट फाइबर्स बनाए और उन्होंने क्या किया कि वो जाकर बाद में टर्मिनेट हुए थालमस पर और थेलमस ने आगे फिर मैसेज फॉरवर्ड किया है इसी तरह जैसे कि पोस्ट सेंट्रल गायरस में जाना चाहिए सेंसेशन के लिए ठीक है उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आ जाती है वो कहलाती है स्पाइनोसरीबेलर ट्रैक्ट ठीक है स्पाइनोसरिबेलर यानी ये सेरिबेलम में जाकर टर्मिनेट करते हैं यानी कि ये जो जिस तरह जा रहे थे स्ट्रेट जाने की बजाय

वो जो ऑर्डर न्यूरॉन्स है ना वो न्यूक्लियस डोरसेल अभी जो हमने ग्रे मैटर पढ़ा है उसमें न्यूक्लियस डॉल था वो जो सी एट थ्री एल फोर तक एक्सटेंड कर रहा था और जिसके अंदर प्रोप्रियोसेप्टिव एंडिंग्स थी उसमें इसका इसकी सेल बॉडी होगी सेकेंड टाइप की ठीक है ट्रैक्स भी यहाँ दो हैं डोरसल और वेंट्रल यानी कि एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट और पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर स्पाइनोसरीबेलड्रैक्ट ठीक है ये क्या करेंगे ये मसल पिंडल से गोल्जी टेंडन ऑर्गन से और टच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेरिबेलम को पहुंचाएंगे इसका ये फायदा होगा कि पॉस्चर कंट्रोल में और मूवमेंट्स की कोऑर्डिनेशन में हेल्प मिलेगी फॉर एग्जांपल आप चल रहे हैं आपके पाऊँ के नीचे पत्थर आ जाता है छोटा सा कंकर छोटा सा आ जाता है आप एकदम उस पर पाऊँ लगते या फील होता है आप अगर आप इससे स्लिप होने लगे तो आप खुद को बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं ये चीज कौन करवाता है ये स्पाइनो सेरिबेल अट्रैक्ट है अब इस तरह था के जो टच की फील थी वो तो स्पाइनल ट्रैक्स ला रहे थे लेकिन आगे से फॉरवर्ड किसको कर दिया सरी बैलम को एक तो आपने उसको फील भी किया और साथ में उसकी वजह से अपना बैलेंस भी मेंटेन किया तो इस तरह ये कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं इसमें जैसे बात की दो ट्रैक्स हैं एंटीरियर स्पाइनोसरी और पोस्टीरियर स्पाइनोसरी ठीक है इसका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो कहाँ मिलेगा

डिफरेंट यहां पर ये चीज होगी कि एक तो मतलब एक क्रॉसिंग ओवर ये है ना कि फाइबर्स जो है स्पाइनल कॉर्ड में क्रॉस हुए थे सेकेंड जो क्रॉसिंग ओवर है वो दोबारा होगी ब्रेन स्टेम के लेवल पर ठीक यानी के अगर मैं रेड कलर से इसको ट्रेस करूं तो फाइबर आया है एक दफा क्रॉस हुआ ठीक है यानी कि ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है एक मरतबा क्रॉस हुआ असेंड किया शार्प टर्न लेकर सरीबेलम में चला गया क्रॉस होके वापस ठीक है इसका फायदा क्या हुआ कि लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट साइड पे ही रहेगी सेंसेशन ठीक है सिर्फ क्रॉसिंग ओवर किया है इसका ट्रैक का मूव करने का पैटर्न है कि जिन फाइबर्स के साथ इसने ट्रेवल करना है वो क्रॉस ओवर होते हैं न्यूक्लियस और सेलस में ठीक है तो ये क्या करेगा ये सेम साइड की सेंसरी इंफॉर्मेशन सरीबेलम तक पहुंचाएगा क्योंकि डबल क्रॉसिंग हो गई है तो सेम साइड की कैरी होगी इसी तरह सारी ट्रैक्ट है, ये जस्ट थ्री से ऊपर मौजूद है इसके भी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज कहां मिलेंगी न्यूक्लियस और सेल्स में एक्सॉन्स इसके जो है डिफरेंस ये है कि ये भी इप्सिलेटरल है लेकिन ये क्रॉस नहीं होंगे ये सीधे ही चले जाएंगे ठीक है स्क्रीन कलर की ट्रेसिंग देख सकते हैं आप कि जैसे ही न्यूरॉन एंटर हुआ न्यूक्लियस डोसेलस में गया और स्ट्रेट अपवर्ड असेंड होने लग गया ठीक है और कहा ये क्या सेंटर होगा सेरिबेलम में थ्रू इनफीरियर पेडंकल ठीक है उसके थ्रू इंटर होगा, peduncle, होगा और इंफॉर्मेशन कैरी करेगा सेम साइड ऑफ सेरिबेलम में थोड़ा सा पेडंकल्स का बता दूं कि अगर आपको थोड़ा सा ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया हो तो मैं पता है कि ब्रेन स्टेम होती है और उसके पीछे सेरिबेलम होता है ठीक है ब्रेन स्टेम में सबसे नीचे क्या चीज होती है उसमें मेड्यूला ऑबलोंगेटा होता है फिर पॉन्स होता है और उसके ऊपर वाला पेडंकल और फिर इंफीरियर सेरिबेलर डेंकल होता है ठीक है तो जो एंटीरियर स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक था वो मिड ब्रेन के लेवल से गया था ठीक है पॉन्स में से होकर मिड ब्रेन के लेवल से तो वो सुपीरियर से गया था और ये वाला जो है ये इंफीरियर से जाएगा ठीक है पॉन्स के भी लोअर लेवल पे ये फाइबर्स फिर बाद में भी अंदर कन्वर्टेड होते हैं ये आगे डिटेल से देखेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी सही फिर कुछ छोटे ट्रैक्ट जिनकी बात की थी वो है जैसे स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट है ठीक है ये बिल्कुल उसी तरह स्पाइनल कॉर्ड से सेंड करेगा लेकिन और लाए ये करेगा स्पाइनोथेलमिक ट्रैक के साथ साथ ठीक है उसी तरह प्राइमरी फ्रेंड्स जो है वो डोरसल हॉर्न से जाएंगे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है वो डोरसल हॉर्न के अंदर होंगे ये क्या करेंगे लेकिन ये जो न्यूरॉन्स हैं ये मिड ब्रेन के एक पोर्शन के अंदर जाएंगे स्पेसिफिकली जिसको हम कहते हैं टेक्टम ठीक है अभी हमने क्योंकि मिड ब्रेन नहीं पढ़ा इसलिए मैंने उसकी डिटेल पिक्चर नहीं डाली जब हम मिड ब्रेन पढ़ेंगे तो हम इसको रिलेट करेंगे आसान लफ्जों में समझने के लिए मिड ब्रेन का एक पोर्शन है जिसको टेक्टम कहते हैं वहां जाएंगे ठीक है और ये क्या काम करेंगे ये रिफ्लेक्सिव टर्निंग करते हैं हेड हेडोराइज की जब भी कोई स्टिमुलेशन आती है ठीक है जैसे आपके हाथ पे कोई चीज टच की आप एकदम मुड़ के उसको देखते हैं तो ये स्पाइनोटेक्टल ट्रैक की वजह से है क्योंकि टेक्टम जो है ये आपकी आई की मूवमेंट्स को लिंक करवाता है बाकी बॉडी के टच के साथ ठीक है तो सेकेंड ऑर्डर के एक ऑपोजिट साइड पे क्रॉस होके जाएंगे और पेरी एक्यूडेक्टल ग्रे मैटर में जाएंगे और स्पीरियो कॉलिक्यूल में जाएंगे मिड ब्रेन के पोर्शन है पेरी एक्यूडेक्टल ग्रे मैटर ये होता है कि सेंटर में एक डक्ट मौजूद होती जिसको है जिसको एक्विडक्ट कहते हैं एक्विडक्ट उसके साइड पे जो ग्रे मैटर मौजूद होगा उसको पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर कहते हैं जहां ये सेगमेंट्स में आएगा हम इसको देख लेंगे ठीक है फिलहाल अभी जितना हमने पढ़ा है उस हिसाब से एक पैटर्न माइंड में रख लें ठीक है के स्पाइनो टेक्टल ट्रैक्ट ठीक है थीके? स्पाइनो टेक्टल ट्रैक क्या है टेक्टम में जाकर टर्मिनेट हो रहा है और टेक्टम क्या है ये एक मिड ब्रेन का पोर्शन है जो आपकी आई की मूवमेंट को लिंक कराता है बाकी बॉडी की मूवमेंट के साथ तो जैसी स्किन पे कोई छोटा सा टच आता है आप उसकी तरफ रिफ्लेक्सिवली ठीक है यानी अनकॉन्शियसली जो आप मुड़कर देखते हैं तो वो स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट की वजह से होता है फिर एक ट्रैक्ट है जिसका नाम है स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक्ट ठीक है ये जो स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक्ट है ये स्पाइन से एक सेरिबेलम का पोर्शन है जिसको ओलिवरी न्यूक्लियस कहते हैं उसके अंदर जाता है ठीक है ये क्या करता है ये सेंसरी इंफॉर्मेशन और बैलेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जाता है पैटर्न इसका भी यही है कि ये असेंड करेगा स्पाइनल कॉर्ड में ठीक है और इंफॉर्मेशन रिले करेगा अप टू सेरिबेलम वो भी मूवमेंट से बैलेंस रिलेटेड ठीक है फिर एक स्पाइनो रेटिक्यूलर ट्रैक्ट है इसके पढ़ने के लिए थोड़ा सा पता होना चाहिए कि रेटिक्यूलर फॉर्मेशन एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है है या एक कलेक्शन न्यूक्लियाई की जो पूरी ब्रेन स्टेम में रन करता है ठीक है और ये कॉन्शियसनेस और अरोजल से रिलेटेड है यानी जो आपका सोना जागना है जो आपका स्लीप एक साइकिल है आपकी कॉन्शियसनेस है वो रेटिक्युलर फॉर्मेशन कंट्रोल करता है तो जो ट्रैक स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन रेटिक्यूलर ट्रैक तक ला रहा है वो आपकी कॉन्शियसनेस थ्रू ट्यूटेनियस स्टिमुलेशन से रिलेटेड है जैसे अगर आप सोए हुए कोई आपको छुटकी काट देता है तो एकदम आपकी आंख खुल जाती है तो ये मैसेज कौन कन्वे करेगा स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक्ट ठीक है इसके फाइबर्स लेमिना ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होंगे जिसे मैंने बताया कि ग्रुपिंग एक तो न्यूरॉन्स निरौ, का पैटर्न है ना ग्रे मैटर में जैसे हमने उनको इंटीरियर लेटरल और पोस्टीरियर ग्रुप में किया था एक लेमिनास थे जिनको रेक्स लेमिना कहा था उसमें भी सेम टाइप ऑफ न्यूरॉन्स है ठीक है वो उसमें लेमिना नंबर फोर टू एट इसको कैरी करेंगे ठीक है इसके अंदर अनक्रॉस्ड फाइबर्स फाइबर यानी कि सेम साइड की सेंसेशन फील होगी रेटिकुलर फॉर्मेशन में ले जाएंगे और क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड फाइबर्स जो हैं वो पॉन्टाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन में जाएंगे अब रेटिकुलर फॉर्मेशन पूरी ब्रेन स्टेम में एम्बेडेड है मेडुला में पॉन्स और मिड ब्रेन में तो डिफरेंट जगहों पर जा रहे हैं ठीक है ये क्या करेगा एरोजल और कॉन्शियसनेस से रिलेटेड होगा ठीक है ऐसे इस पिक्चर में देख सकते हैं ये सारी स्नेल की पिक्चर है ठीक है स्नेल की पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर जो तो सबसे लेटरल मोस्ट है ओलिवरी ट्रैक्ट है ये छोटा सा ओलिवरी न्यूक्लियस है इसमें जाकर टर्मिनेट हो रहा है बिल्कुल उसी तरह क्रॉस होकर आ रहा है जैसे बाकी ट्रैक्ट का पैटर्न था ठीक है फिर स्पाइनो टेक्टल ट्रैक्ट है ये जा रहा है देखें कहाँ तक या टेक्टम मिड ब्रेन के लेवल तक जा रहा है इसी तरह तीसरा ट्रैक स्पाइनो रेटिक्यूलर है ये कहाँ आ रहा है ये इसके फाइबर्स अनक्रॉस्ड वाले मेडुला के लेवल पर और क्रॉस्ड वाले पॉन्स के लेवल पर जा रहे हैं तो इस तरह ये रोजल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है ठीक है क्लिनिकल रेलेवेंस है इसकी इंट्रैक्ट्स की क्लिनिकल रेलेवेंस की बात करते हैं क्लिनिकल रेलेवेंस इंट्रैक्ट्स की क्लिनिकल रेलेवेंस इंट्रैक्ट की ये है कि अगर इंजरी हो जाए तो क्या या क्या मोर्डिटी लॉस होगी ठीक है ट्रैक कैरी करना है और अगर ये काम करना छोड़ देते हैं तो कैरी नहीं होगी अगर टच कर रहे हैं तो टच फील नहीं होगा पेन का स्टिमुलस देते हैं पेन कैरी नहीं होगा जैसे कि अगर लेटरल स्पेनोथलमिक ट्रैक को इंजरी हो जाए तो अपोजिट साइड का पेन और थर्मल सेंसेशन बिलो द लियर खत्म हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल टी के लेवल पे यानी थर्ड जो थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर थ्री है इसके लेवल की जो स्पाइनल कॉर्ड है स्पाइनल सेगमेंट इससे नीचे अगर तब इंजरी हो गई है ठीक है तो इस लेवल पे इंजरी है इससे नीचे के जो पेन टम्परेचर टच है वो से रिलेटेड हो गया लोअर लिम्स से रिलेटेड हो गया वो कैरी नहीं होगा लेकिन अपर लिम का जाहिर इससे ऊपर है कि टी वन तक ब्रेकिअल जाहिर है तो वो कैरी होगा अपर लिम्स में पेन आएगा टेम्परेचर पता चलेगा लेकिन लोअर लिम्स में फीलिंग नहीं होगी ठीक है और कॉन्ट्रेटर इस तरह है कि अगर राइट साइड की की स्पाइनल कॉर्ड साइड पर स्पाइनोथलमिक ट्रैक डैमेज हुआ है तो लेफ्ट साइड का फील नहीं होगा क्योंकि हमें पता है कि फाइबर क्रॉस करके जाते हैं ठीक टी थ्री ऑनवर्ड्स नहीं मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए एक पॉइंट दिया है कि फॉर एग्जाम्पल अगर टी है ये टी पे भी हो सकता है ये सी फाइव पे भी हो सकता है ठीक है एक एग्जाम्पल है कि जहां पर इंजरी हुई उससे नीचे वाली साइड सेंसेशन कैरी नहीं होगी इसी तरह इंटीरियर स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट है ठीक है कॉन्ट्रेटल साइड पे लाइट टच और प्रेशर खत्म हो जाएगा जहां चोट लगी जिस भी लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सी वन से लेकर एल थ्री के लेवल पर है किसी भी लेवल पर जहां भी इंजरी होगी ना उससे नीचे साइड का जो टच का और प्रेशर का जो फील है सेंसेशन है वो खत्म हो जाएगी ठीक है सी फाइव का इसलिए उसके सरवाइवल नहीं है सुपर ऊपर क्योंकि सी थ्री सी फोर सी फाइव जो है वो डायाफ्राम है रिस्पायरेटरी जाहिर है अगर इस लेवल पर इंजरी हो जाती है फिर तो डेथ होती है पेशेंट की लेकिन उससे नीचे नीचे जो भी लेवल पर इंजरी होगी तो उसके नीचे जो बॉडी है वहां पर टच और प्रेशर फील नहीं होगा अगर एंटीरियर स्पाइनोथेलमिक ट्रैक डैमेज हो जाता है इसी तरह अगर फेसिकुलस या फेसिकुलटसिलस को इंजरी होती है तो सेम साइड की सेंसेशन कैरी होना बंद हो जाएगी वजह यह है कि फेसिकुलस क्यूनिएटस और ग्रेसिलस जितना ट्रैक्ट है वो तो पहले मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा तक सेम साइड पर कैरी करता है मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा के अंदर अलग से न्यूक्लियां हैं न्यूक्लियस फेसिकुलस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस ग्रेसलस और क्यूनिएटस, फिर वहां से आगे क्रॉसिंग ओवर है लेकिन जितनी हद तक ये ट्रैक्ट खुद है उतनी तक तो ये इप्सी साइड पे जा रहा होता है ना तो अगर ये डैमेज हो जाता है तो कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, कॉन्शियस का मतलब है कि हमें पता हो कि हमारी ओरिएंटेशन, ठीक है वो और वाइब्रेशन सेंस और टच की डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगी उसके अलावा एक चीज़ का जिक्र था पेन कंट्रोल पेन गेटिंग थ्यूरी ये सब क्या चीजें ये इस तरह है कि अगर मिसाज किया जाए या लिनीमेंट्स होती हैं जो पेन किलर जेल होते हैं जैसे ब्रूफिन जेल वोल्ट्रॉल जेल टाइप चीजें ठीक है थीके? ये अगर आप पेनफुल एरियाज को लगाते हैं तो पेन रिलीव हो जाता है या एक्यूपंक्चर करते हैं जो चाइनीज टेक्निक है नीडल्स लगाकर पेन रिलीव करने की या लो फ्रिक्वेंसी स्टिमुलेशन करते हैं स्किन की जैसे फिजियोथेरेपी में एक मशीन से किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स लगाई जाती हैं ये सब क्या करती हैं ये सब पेन कंट्रोल करती हैं या पेन वक्ती रिलीव कर देती हैं हैं ये कैसे करती जिस से करती से हैं उसको हम गेटिंग थ्योरी कहते हैं ठीक है गेटिंग थ्योरी ये है कि आप एक्सेसिव टच जब करते हो तो जो रिसेप्टर्स फिलहाल पेन को कैरी कर रहे थे उनका फोकस वहां से हट के टच की तरफ आ जाता है ठीक है यानी कि जो गेट वो है जैसे यानी कैरी करने का पाथवे जैसे कि सर्किट्स वाले गेट होते थे एंड गेट और गेट उस तरह है कि गेट क्लोज हो गया पेन का और कैरी होने लगी की टच की सेंसेशन तो पेन कंट्रोल हो जाता है ठीक है और जैसे ही आप छोड़ते हो इस चीज को तो पेन कंटिन्यू हो जाता है जैसे कि अगर आप किसी के पांव दबाओ तो उसको इजी फील होता है ठीक है छोड़ दो तो दर्द करने लगता है वो अगर किसी को कंप्लीट आराम आ जाए वो इसलिए होता है कि मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं वो एक अलग चीज है लेकिन फिलहाल पेन की हद तक है कि जब आप टच करते हो तो टच की फीलिंग अप्रिशिएट होने लग जाती है पेन बंदे को याद नहीं रहता ठीक है और इसके अलावा इसका कॉन्शियस लिंक भी है कि अगर आपका माइंड किसी और जगह पे फोकस करने लग जाए तो पेन याद नहीं रहता ठीक है फिर कुछ एरियाज हैं ब्रेन के जहां से आप पेन ब्लॉक कर सकते हो यानी कि अगर आप यहाँ पर एनेस्थीजिया दे दो यहाँ पर अगर सेंसेशन को ब्लॉक कर दो तो पेन फील होना बिल्कुल बंद हो जाएगा ठीक है जैसे डायनसेफलॉन जो है ब्रेन का उसका पेरीवेंट्रिकुलर एरियाज है और मिड ब्रेन और ब्रेन स्टेम का पेरी एक्ट ग्री मैटर है अभी जब हम पढ़ेंगे तब तो इनको जिक्र करेंगे कि यहाँ पर हमने ये बात की थी फिलहाल क्योंकि जिक्र है चैप्टर के अंदर तो हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पर ठीक है तो ये पेन गेटिंग थ्योरी है दैट्स ऑल